मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चारों तरफ क्रिसमस डे का माहौल है, जहां पे एक फादर अपनी डॉटर के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहां पे टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी आता है और उसे देख उस लड़की के फादर डर जाते हैं। उनके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट छा जाती है। वो अपनी बेटी को किसी बहाने घर भेजते हैं। उसके बाद वह उस टेडी बियर वाले आदमी पे झपट पड़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब वह लड़की अपने घर में मॉम के साथ होती है। तभी उसके फादर भी घर आ जाते हैं। घर आते ही उस लड़की के फादर उसके मॉम यानी कि अपने वाइफ को बताते हैं कि मुझे शायद अब हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। इस पर उसकी वाइफ काफ़ी उदास हो जाती है। वह आदमी अपनी बेटी को रात में सोते हुए छोड़कर चला जाता है, लेकिन वह कहाँ गया ये किसी को भी पता नहीं है। अब हम देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई है, यानी कि 10 से 15 साल बीत चुका है। इस लड़की का नाम मासा है और ये रात में सोते समय काफ़ी बुरे बुरे सपने देखती है, जैसे कि ढेर सारे खतरनाक मछलियों को लेकर एक बुरा जादूगर पूरे पृथ्वी को नष्ट करने आ रहा है। और इन सपनों में आने वाली चीज़ों को वो ड्राइंग भी बनाती है। इन्हीं बुरी सपनों के वजह से मासा का कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता है। अब हम देखते हैं कि न्यू ईयर आ चुका है और ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं। मासा भी अपने कलीग के साथ मिलकर न्यू ईयर के फंक्शन में जुड़ी है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन मासा अकेली है क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है। तभी वहां पे मासा देखती है कि एक जादूगर आता है और उजला बर्फ का गोला छोड़ता है, जिससे कि बर्फ का एक टीला जम जाता है। ये देखकर मासा दूसरों को बताने लगती है तो सभी लोग उसे पागल समझने लगते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मासा उन सभी लोगों से अलग है, जिसे संसार में होने वाली कुछ अजीब चीज़ें भी दिखती हैं। अब मासा वहां से उदास होकर एक दूसरे फंक्शन में चली जाती है। उस फंक्शन में भी सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी मासा देखती है कि सब कुछ स्टॉप हो गया है और सफ़ेद गोले वाले ढेर सारे जादूगर मिलकर पृथ्वी की ओर आ रही खतरनाक मछलियों को मार रहे थे। और ये सिर्फ मासा ही देख रही थी, बाकी सारे लोग स्टॉप थे क्योंकि उन जादूगरों ने सभी लोगों पर जादू किया हुआ था, लेकिन मासा पर उस जादू का असर नहीं हुआ था। ये सब देख मासा अचंभित थी क्योंकि इन मछलियों को वह सपने में देखी थी, जो कि रियल लाइफ में भी हो रहा था। वह सोच ही रही थी कि तभी एक मछली उसके पास आ जाती है और हमला करने लगती है। तो उन जादूगरों में से एक जादूगर जिसका नाम निकिता होता है, वह आकर उस मछली को मार देता है और मासा को बचा लेता है, लेकिन इसकी वजह से निकिता को अपने जादुई गोले से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि वह अपने काम को छोड़कर मासा को बचाने आता है। इसलिए इन सभी जादूगरों के टीम के हेड फादर फ्रोस्ट उससे जादुई गोला ले लेते हैं। इन जादूगरों के टीम को क्रिसमस ट्री गार्ड कहा जाता है, जो कि इस दुनिया को बुरे राक्षसों से बचाते हैं। निकिता के पास जादुई गोला नहीं होने के कारण उसके पास अब कोई शक्ति नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर एक बुरा राक्षस उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें अगर खुद का मालिक बनना है तो विशालतम दृष्टतम बोलना, काला गोला तुम्हें खुद ब खुद ढूंढ लेगा। ये कहकर वह राक्षस चला जाता है। दरअसल काला गोला उन राक्षसों का शक्ति का स्रोत होता है, जिसे वो लोग इन जादूगरों के कैद से छुड़ाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस ट्री गार्ड मिलकर उन सभी मछलियों को मारने के बाद सभी लोगों से जादू हटा देते हैं और मासा की तरह जिन जिन लोगों पर उस जादू का असर नहीं होता है उसे लेकर अपने महल में आ जाते हैं। दरअसल उन लोगों पर जादू का असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके पूर्वज क्रिसमस ट्री गार्ड रहे होंगे। इससे हमें पता चलता है कि मासा के फादर भी क्रिसमस ट्री गार्ड ही थे, जो कि दुनिया को बचाने के लिए मासा को बचपन में ही छोड़कर चले जाते हैं, जैसा कि मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं। अब इन सारे लोगों को यहाँ पे लाने के बाद फादर फ्रोस्ट सभी को जादुई गोला देते हैं और अब से ये सभी जादूगर यानी कि क्रिसमस ट्री गार्ड बन गए हैं। मासा को भी एक सफ़ेद गोला मिलता है। इधर निकिता के पास सफ़ेद गोला नहीं था तो वह उदास था। तभी वह मासा को सफ़ेद गोला लिए देखता है। निकिता काला गोला लेकर खुद का मालिक बनना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि सफ़ेद गोले को लेकर वह फादर फ्रोस्ट के लिए काम करे।
इसलिए वह माशा से मीठी मीठी बातें करके बहला फुसला कर उससे सफ़ेद गोला लेता है और उसकी मदद से वह उस जगह पे पहुंचता है जहां पे काला गोला को कैद करके रखा होता है। वहां पहुंचकर वह विशालतम दृष्टतम बोलता है जिससे काला गोला कैद से छूट जाता है, जिसे लेकर निकिता वहां से भाग जाता है और माशा को कुछ समझ में भी नहीं आता है क्योंकि वह वहां पे नई नई आई होती। निकिता जब काला गोला लेकर बाहर आता है तो वहां पे वही बुरा राक्षस आ जाता है जो कि मेन विलेन होता है। वह उससे काला गोला छीन लेता है। निकिता को वह सिर्फ मोहरा बनाया था काला गोला को फादर फ्रोस्ट के कैद से छुड़ाने के लिए। अब हम देखते हैं कि फादर फ्रोस्ट एक मीटिंग में गए हैं। वहां पे हमें पता चलता है कि वह बुरा जादूगर जो कि निकिता को मूर्ख बनाकर काला गोला हासिल किया, उसका नाम कराचून है और वह एक तलवार हासिल करना चाहता है जिसे ये सभी फादर मिलकर रखवालों की मदद से सुरक्षित रखते हैं। इस तलवार की सुरक्षा 5 जादूगर मिलकर दुनिया के अलग अलग कोने में कर रहे हैं जिनके पास 5 अलग अलग चाबियां हैं। इन रखवालों के बारे में किसी को भी पता नहीं है। इस तलवार की मदद से कराचून पृथ्वी के ऊपर बने सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है और उसके बाद सारी बुरी मछलियां आसानी से पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर उसे नष्ट कर सकती है। ये सारे फादर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे कराचून आ जाता है और वह दिखाता है कि उन 5 चाबियों में से एक चाबी हासिल कर लिया है जो कि एक योगी के पास था। इसे देखकर सारे फादर अचंभित थे। सारे जादूगर मिलकर कराचून पे हमला भी किए लेकिन उसके पास काला गोला था जिसकी वजह से वह काफ़ी शक्तिशाली बन गया था और उन लोगों को हराकर वहां से चला गया। फादर फ्रोस्ट सोच रहे थे कि आखिर काला गोला उनके कैद से छूटा कैसे। अब ये सारे जादूगर मिलकर उन 4 बचे चाबियों को ढूंढने लगते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। हम देखते हैं कि फादर फ्रोस्ट अब माशा के घर जाते हैं जहां पे वह देखते हैं कि माशा ढेर सारी ड्राइंग बनाई होती है जो कि वो अपने सपने में देखती थी। उनमें से एक ड्राइंग उस योगी से मिल रहा था जिसका चाबी कराचून ने हासिल कर लिया था। फादर फ्रोस्ट समझ जाते हैं कि माशा जो भी सपने में देखती है वो आगे सब सच होने वाला है, तो वो सारे ड्राइंग लेकर चले जाते हैं। फादर फ्रोस्ट सारे क्रिसमस ट्री गार्ड के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि एक कैनेडियन पियानोस्ट को बर्फ में जमा दिया गया है और ये ड्राइंग भी माशा ने बनाया था। और दूसरी खबर में नॉर्वे के प्रसिद्ध लेखक को भी बर्फ से जमा दिया गया है और इसका फिगर भी माशा ने पहले ही बना दिया था। इसका मतलब कराचून 3 चाबियां हासिल कर चुका था। फादर फ्रोस्ट समझ चुके थे कि माशा आगे जो भी सपने में देखेगी वही सच होगा। तो माशा फादर फ्रोस्ट को आकर बताती है कि उसने अभी अभी सपने में देखा कि कहीं पे एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे लोग झगड़ रहे हैं और उनमें से एक के पास चाबी। फादर फ्रोस्ट समझ जाते हैं कि वही चौथा चाबी है। माशा उस सपने का फिगर बनाती है तो पता चलता है कि वह जगह हांगकांग शहर है। निकिता फादर फ्रोस्ट से माफ़ी मांगता है। उसके बाद वह माशा को सफ़ेद गोला चलाना सिखाने लगता है और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब तैयारी के बाद माशा, निकिता और उसके सारे टीम मिलकर उसी जगह पर जाते हैं जो माशा सपने में देखती है। वो सारे एक क्रिसमस ट्री पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करते करते सारे जादूगर मिलकर अपना काम शुरू करते हैं। वे सारे मिलकर उस जगह के टाइम को स्टॉप करते हैं और उस इंडियन आदमी को ढूंढने लगते हैं जिसके पास चाबी है। तो वह इंडियन भागने लगता है और वह ठीक उसी बिल्डिंग पर पहुंचता है जैसा कि माशा सपने में देखी थी। ये सारे जादूगर उस रखवाले से चाबी ले लेते हैं लेकिन वहां पे कराचून आता है और चाबी छीनकर चला जाता है। कराचून को बस अब एक चाबी की ज़रूरत थी। वह चौथा चाबी भी ले चुका था। ये सुनकर फादर फ्रोस्ट काफ़ी नाराज होते हैं और अगली बार फादर फ्रोस्ट भी उन लोगों के साथ जाने की बात करते हैं। अब माशा 5वीं चाबी के बारे में सपना देखती है कि सारे जादूगर एक जंगल में हैं और 5वीं चाबी एक मास्क मैन के हाथ में है जो कि एक घोड़े पे है। फादर फ्रोस्ट जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वह जगह इटली में है। तो अब माशा और उसकी टीम मिलकर उस जगह पे जाने की तैयारी करते हैं और इस बार किसी भी कीमत पे
वो चाबी उस क्रचुन के हाथ लगने नहीं देना चाहते थे। इस जगह पे किसी चीज की नीलामी हो रही थी और सभी को मास्क पहनना जरूरी था। यहाँ पे ये लोग एक गलत आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, तब तक इधर रियल आदमी जिसके पास चाबी होता है वो गेट पर से एक घोड़े को लेकर भाग जाता है जंगलों की ओर। तो मासा और निकिता मिलकर उसका पीछा करते हैं। मासा उस आदमी को बर्फ के गोले से मारती है तो वह घोड़े से गिर जाता है और पांचवी चाबी उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। चाबी जमीन पे गिरते ही करचुन आ धमकता है और चाबी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह पांचवा रखवाला फुर्तीला था, वह चाबी को फिर से उठाकर भागने लगता है। तो मासा उस आदमी का पीछा करती है और निकिता करचुन को रोकने की कोशिश करता है। मासा जब उस आदमी पे हमला करती है तो देखती है कि वह आदमी उसके फादर होते हैं, जो कि बचपन में ही उसे छोड़कर चाबी की रखवाली के लिए चले आए थे। मासा काफ़ी इमोशनल होकर अपने डैड के गले लग जाती है, पर मासा को उनसे चाबी लेना था, लेकिन उसके डैड उसे चाबी नहीं देते हैं और यहाँ से भी बचकर निकल जाते हैं। लेकिन बाद में आकर उसके डैड उसे वो चाबी दे देते हैं और चाबी की रखवाली छोड़कर वो उसके मॉम के पास चले जाते हैं। मासा की मॉम अपने हस्बैंड को देख काफ़ी खुश होती है। इधर मासा का सभी जादूगर स्वागत करते हैं क्योंकि उसने चाबी लाकर फादर फ्रोस्ट को दे दिया था। चाबी मिलने की खुशी में सभी जादूगर इंजॉय कर रहे होते हैं। उधर निकिता फादर फ्रोस्ट के गार्ड से वो पांचवी चाबी छीन लेता है, क्योंकि जब वो करचुन से जंगल में लड़ाई कर रहा था तो करचुन उस पर काला जादू करके उसे अपने बस में कर लिया था। निकिता चाबी ले जाकर करचुन को दे देता है। पांचवी चाबी मिलते ही करचुन उस तलवार को हासिल कर लेता है। करचुन अब वो तलवार लेकर सुरक्षा कवच को तोड़ने चला जाता है, जहाँ पे उसका सामना फादर फ्रोस्ट से होता है। दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, इसके बावजूद भी करचुन सुरक्षा कवच में छेद करने में सफल हो ही जाता है और सारी खतरनाक मछलियाँ पृथ्वी में प्रवेश करने लगती है। लड़ाई के दौरान करचुन का काला गोला उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे निकिता आकर ले लेता है। तो मासा और उसकी टीम आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, तो निकिता काले गोले को छोड़कर उस तलवार को सुरक्षा कवच से निकाल देता है और खतरनाक मछलियों का पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है। उस जादुई तलवार को पकड़ते ही निकिता पर से करचुन का काला जादू हट जाता है। इधर करचुन को फादर फ्रोस्ट की टीम मिलकर उस पर हमला करके उसे बर्फ से जमा देते हैं। सभी जादूगर जीत का जश्न मनाते हैं। फादर फ्रोस्ट सभी को बताते हैं कि दुनिया में कोई भी बुरा नहीं होता है, बल्कि वह प्यार की कमी की वजह से बुरा बन जाता है। हम देखते हैं कि निकिता और मासा एक दूसरे को किस करते हैं और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करते हैं, और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।